भिलाई में नगर निगम के जोन 3 कार्यालय के समीप स्थित ताज दरबार के स्वामित्व को लेकर विवाद गहराने लगा है, जिसे सुलझाने व भिलाई स्थित ताज दरबार के वास्तविक उत्तराधिकारी की जानकारी देने नागपुर स्थित बाबा ताजुद्दीन मजार के ट्रस्टी भिलाई पहुंचे और पत्रकार वार्ता लेकर ताज दरबार के वास्तविक उत्तराधिकारी के बारे में बताया। आज मुझे ताज दरबार के बढ़ते विवाद की वजह से नागपुर से चेयरमैन साहब को बुलाना पड़ा है। जो दरबार के जो हमारे वालिद साहब के समय से चलती आ रही है सारी रस्म और रिवाज, उसको वो सब चल रहा है। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो दरबार के सामने रहते हैं, वो लोग दरबार में जो रिवाज है रस्म रिवाज में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं और हमको उसी तरह से सही तरीके से चलाने नहीं दे रहे, और वो बार बार परेशान करते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बाबा के नाम से गद्दी नशीन का प्रचार कर रहे हैं और अपने नाम से दरबार को मतलब अपने दरबार के आड़ में अपना हाईलाइट कर रहे हैं, अपना नाम कर रहे जी। हमारे अम्मी हैं, हम हैं और हमारे परिवार, उसका कुछ भी नहीं है, उनका दरबार से कोई लेना देना नहीं है। सादिक और उनकी मम्मी बदरुन्निसा, उसकी बहन ताज अंजुम, इनका दरबार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई हक नहीं है। ये बिना वजह के ताज दरबार में विवाद स्थिति बना है। कुछ दिनों से हमारे जहन में ये आया है और हमारे पास शिकायत आई है कि भिलाई शहर में बाबा ताजुद्दीन के नाम के आड़ में कोई नानी अम्मा का दरबार चलाया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। हमने सिर्फ मोहम्मद हनीफ साहब जो डॉक्टर चौधरी थे उनको परमिशन दिया था मेरे वालिद ने, और उसके बाद जो है उनके वारसान जो है उनके वारसान में उनकी बेटी है ताजुन्निसा, उनको मैंने अपने अधिकार से, क्योंकि आज मुझे पूरा पावर है इसलिए मैंने अपने पावर से उनको ये यहाँ का भिलाई शहर का जो बाबा का जो आस्थान है वहाँ का संचालन करने के लिए उनको अथॉरिटी दिया है। और यहाँ पर एक सादिक नामी कोई व्यक्ति है जो अपने आप को गद्दी नशीन कहलाता है, वो सरासर गलत है, क्योंकि गद्दी नशीन होने के लिए सज्जाद नशीन बनने के लिए जो साहेब आस्थाना जो बुजुर्ग होते हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए, उनका ब्लड कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन उनका ऐसा कुछ भी नहीं है और वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ की सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों पर जो श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाए ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, और ये जो गैर कानूनी जो काम हो रहा है उसको बंद करवाना चाहिए, और जो सही सही मायने में जो यहाँ के पदाधिकारी है उनको यहाँ का निजाम संभालने के लिए उनको प्रशासन ने अपनी तरफ से उनको सहयोग करना चाहिए, और हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है सादिक अली का, वो गैर कानूनी तरीके से अपने आप को सज्जाद नशीन कहलाता है। और यहाँ से जो शाही संदल जो निकाला जाता है वो शाही संदल भी नहीं है, शाही संदल सिर्फ बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुर में उसी संदल को शाही संदल का नाम दिया गया है जो बाबा ताजुद्दीन शाही अंदाज में उनका इतना बड़ा आस्थान है। सारी दुनिया के लोग, पूरे इंडिया के लोग, इंडिया से बाहर विदेश में भी बाबा ताजुद्दीन को मानने वाले लोग हैं, वो ही जो है शाही संदल बाबा का जो निकलता है उसी को मानते हैं। यहाँ जो शाही संदल के नाम से शाही संदल निकाला जा रहा है वो गैर कानूनी है, उस पर भी पाबंदी लगाई जाए, यही मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। ये डॉक्टर चौधरी साहब की जो फैमिली है वो ही सही हकदार है यहाँ की, और हमने भी उन्हीं को परमिशन दिया है, बाकी अदरवाइज किसी और को हमने कोई परमिशन नहीं दिया है।